हेलो गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर हमने थर्सडे फ्राइडे कोई वीडियो नहीं बनाया था थर्सडे इसलिए बना नहीं था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग लाइव इन द चैनल बट इट वाज अ बैड लाइफ मतलब मेरे भी खुद पर्सनल लॉस हुए बट दैट्स फाइन अभी हमने लास्ट सेवन एट डेज से कंटिन्यूस पैसे बनाए तो एक दिन लॉस बनता है बट मैं बताता हूँ कि हमने लॉस बचाया कैसे वन लाख का लॉस बट वो वन लाख लॉस नहीं बचाते तो हमें और लॉस होता फ्राइडे नहीं थर्सडे फ्राइडे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी लाइव नहीं करी थी बिकॉज uh, थर्सडे के रिजल्ट के वजह से आई वॉन्टेड टू टेक ए लीव दैट्स वन ऑफ़ द रीजन कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे अच्छा मैं लास्ट में बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं पीपल आर रेडी ओके न देखो थर्सडे का मैं एक बार बता देता हूँ जो हमने लाइव किया था निफ्टी uh, में किया था हमने व्यू uh, हमारा ये था कि मार्केट फुल डे बान डिप्स रहेगा डबल बॉटम का अपना गेम था हम लोग ये बाय जोन के आसपास वेट कर रहे थे कि मार्केट ये बाय जोन आएगा तो हम बाय करेंगे मार्केट ने बाय दिया दो कैंडल दिया उसके बाद हमें निकलने का मौका नहीं दिया अगर आप देखोगे दो बड़े बड़े कैंडल फिर भी मैंने बोला मार्केट में मार्केट में लोगों को होल्ड करें कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार आ जाना चाहिए क्योंकि ये एक हमारी बाई जोन थी जहाँ पे मार्केट बाय देता ये मार्केट ने बाय दिया भी दिया इस बाई जोन के पास आया बट यहाँ पे दोबारा फॉलोआ यहाँ पे भी हम करते देखो हमारी एंट्री जो थी वो टू के आसपास थी आई फाइव नो मार्केट वन एटी के आसपास आया तो फोर्टी पॉइंट का लॉस अपन ले सकते थे है ना और ऑप्शन बाइंग में अगर आप लोगों थे पॉइंट के आसपास का आपका टोटल लॉस था आप काट सकते थे मैंने नहीं काटा मैं वेट कर रहा था कि पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट नीचे से फॉल होगा आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फॉल होगा वो तो रिस्क मैंने लिया अपने हिसाब से बट यहाँ पे भी कट किया जा सकता था जैसे ही मार्केट ने यह डम मारा सेकेंड डम्प में यहाँ पे हमने निकाल दिया क्योंकि ये स्विंग लो था और उसके बाद देखो आप कितना बड़ा फॉल है ऑलमोस्ट टू हंड्रेड पॉइंट का फॉल फ्रॉम हियर हिस्सर से यहां से दो सौ पॉइंट का फॉल है तो हमने जो लॉस मैंने खुद पर्सनली हंड्रेड लॉस किया, किया। इसलिए मेरा वन लाख के आसपास का लॉस है अगर मैं हंड्रेड पॉइंट लॉस नहीं देता मार्केट में दो सौ पॉइंट लॉस और होता हमने कोई और ट्रेड मैंने पर्सनली नहीं की अलग बात है बट लॉस और होता ठीक है तो लॉस काटना बहुत जरूरी है दैट इज द लर्निंग पर्सन फ्रॉम थर्सडे एटलीस्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट आपके हिसाब से जाए ऐसे पर अभी पर्सनली हम ट्रेड करें तो सेवन एट डेज से मार्केट अपने हिसाब से ही जा रहा था राइट थर्सडे डम्प एंड इफ यू सी थर्सडे का डम्प इज मच बिगर डम्प दे दिस वीक ये डम्प से भी बड़ा था ठीक है अभी आई के रिजल्ट आए या दुनिया भर के आए तो न्यूज में आप एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते वहां पर प्राइस एक्शन काम नहीं कर सकता अदरवाइज यहाँ पे मार्केट फेल हुआ तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाना चाहिए था डेफिनेटली अब इसने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया दैट इज वाई फ्राइडे ऑल्सो मार्केट ऊपर जाके इसी जोन के आसपास मार्केट सेलराइज हो गया दैट इज द रीजन बैंक निफ्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि थर्सडे हमने बैंक निफ्टी की कोई ट्रेड नहीं करी थी तो नेक्स्ट वीक की सीधी सीधी बात करेंगे नेक्स्ट वीक का आज तो टाइमिंग एक बार मैं आपको देता हूँ मार्केट लुक्स लाइक ए बाई ऑन डिप्स मार्केट ओके पहले ये आप ले लेना अब इसको स्क्रीन शॉट ले लो वन सेकेंड यान शॉट तो मार्केट जो दिख रहा है, है मोटा मोटा अशोक के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट जो मोटा मोटा दिख रहा है कि मंडे मार्केट लुक्स है लेके फुल बाय ऑन डिप्स मार्केट ओके इस तरह का मार्केट दिख रहा है नाइन फिफ्टीन ट्यूजडे नाइन फिफ्टीन टू इलेवन बाय

टिपिकल एक्सपायी टू टेन थर्टी थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी रेंज बाउंड टर्टी टू टू बाउंड अपर साइड कंसॉलिडेशन फ्राइडे नाइन फिफ्टी टू टू थर्टी बाय थ्री टू थ्री थर्टी सैल इस तरह का मार्केट दिख रहा है आइडियली ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसॉलिडेशन टाइप है मेरे ख्याल से ठीक है तो फिर भी

डाउन साइड कैपिंग ही दिख रहा है ओके okay? तो उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड करना चाहे तो निफ्टी में हमारी एक जो सपोर्ट बन के आ रही है आईडियली तो हमें ये सपोर्ट लेना चाहिए 929 का जो वीकली लो है हाउ एवर एट सेवेंटी फोर वी ए सपोर्ट यहाँ पे आप बाय कर सकते हो बट मुझे अगर आप पूछोगे प्राइस सेक्शन के हिसाब से तो ये बाइंग का मतलब नहीं बनता क्योंकि यहाँ तक अगर मार्केट आ गया लेकिन अदर हंड्रेड पॉइंट का फॉल मार्केट ने दे दिया स ये इस एरिया को कवर करके ऊपर जाना पूरा वीक में मुश्किल हो जाएगा इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट ओके ये फर्स्ट वीक सपोर्ट था मार्केट ने एक बार काम किया देखो मैंने आई डोंट नो अगर आपने ध्यान दिया होगा जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने बोला था ये फर्स्ट वीकली सपोर्ट जो है पहली बार काम किया दूसरी बार का गारंटी मैं नहीं दे रहा आई आई वेरी क्लियरली टोल्ड टोल्ड इट राइट और वही चीज यहाँ पे हुआ अगर आपको तो देखोगे राइट right? ये गया दूसरी बार तीसरी बार में हो गया। बट ये बोला था मैंने हालांकि uh, हम नहीं uh, कर पाएंगे बट रीजनेबल गारंटी नहीं थी बट एनी ठीक है जो हो गया हो गया गलती हो गई तो कुछ कर नहीं सकते नेक्स्ट वीक की बात करते हैं नेक्स्ट वीक का आश्रो का प्रोडिक्शन बता दिया मैंने ठीक है चैनल में डाल दिया उठा के ले लेना निफ्टी की अगर बात करें जैसे मैं बोला नीचे साइड बनता नहीं है भाई नीचे साइड में ट्रेड बनता नहीं है देखो निफ्टी अगर इस सिमेट्री ट्रायंगल के बीच ट्वेंटी टू थाउजेंड का मोटा मोटा ले लो ट्वेंटी टू ये वाला ट्वेंटी टू थाउजेंड के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड लेने में ना बाय लेने में ना सेल लेने में ठीक है ट सेवेंटी फोर बाई चांस आया और हमारी भी वो गलत गई एस्ट्रोपीशन गलत गई तो मैं एक बाय खेल सकता हूँ टू तो पी सेलिंग बाय भी नहीं करूंगा ऑप्शन पे सेलिंग करूंगा ठीक है इंटरेस्टिंग जो होगी पूरे वीक में ठीक है वो क्या होगी कि मार्केट इस लेवल के नीचे ना जाए अगर कल गया भी तो फटाफट ट्वेंटी टू थाउजेंड फिफ्टी के ऊपर आ जाए मंडे ही ये लेवल आए एटलीस्ट मंडे ही एटलीस्ट ये लेवल आए ट्यूजडे को फिर ये लेवल आए को फिर ये लेवल आए थर्सडे को ऊपर साइड कंसोलिडेशन करे फ्राइडे यहाँ पे टच करे फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में सेल दैट इज वॉट आई वुड मेक इट एज ए प्रेफरेबल ट्रेड अगर बनता है तो ठीक है तो पी सेलिंग करते जाएंगे डेफिनेटली जब तक देखो ट्वेंटी टू थाउजेंड लेवल का स्टॉप लॉस लेके आप पी सेलिंग कर सकते हो हेजिंग है के साथ करते जाना ठीक है रोल ओवर कर सकते हो तो बढ़िया बात न एक चीज प्राइस एक्शन के हिसाब से बताता हूँ पहले डेली का कैंडल एक बार दिखा देते हैं ठीक है डेली में मार्केट दिख कैसे रहा है देखो पूरा ये चैनल में चैनल को टच किया है टच करके यहाँ पे बाय दिया दैट मीन्स अगर आज का हाई काटा तो मोटा मोटा ये टारगेट आना चाहिए ट्वेंटी टू थाउजेंड टू फिफ्टी का टारगेट तो आना ही चाहिए अगर फ्राइडे का हाई काट के मार्केट सस्टेन करता है पॉसिबल है कि मार्केट फोर हंड्रेड तक आ जाए

आपको काटना ही काटना ठीक है यहाँ पे एक छोटी बाइंग यहाँ पे भी स्कैल्पिंग बाय आप कर सकते हो मैंने तो पी सेलिंग का बोला और इसी का स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय या सेल करना है जो भी करना है आपको ठीक है हाई मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे के डे के ऊपर मंडे मार्केट क्लोज करे सो दैट वी हैव ए सिग्निफिकेंट चांस ऑफ गोइंग टूअर्ड्स ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड हाई ओवर स्टॉप लॉस याद रखना बाकी मैं ग्रुप में बताता रहूंगा वैसे कोई बड़ी बात है नहीं ठीक है नाउ बिफोर वी कम टू निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते बैंक निफ्टी देखो बैंक निफ्टी में ना एट डे कंटिन्यूस रेड कैंडल एंड नाइन कैंडल थी तो फाइव भी फेल है सेवन भी फेल है नाइन फेल नहीं होना चाहिए दैट इज माई पर्सनल व्यू ओके तो एक पॉसिबल ये की मंडे जो मार्केट में कैंडल बनेगी वो कैंडल इस तरह का बन सकता है ये ये कैंडल आपको दिख रहा है ये इस तरह का कैंडल पॉसिबल है बन सकता है या फिर एक मारू बूजू कैंडल बनेगा इस तरह का ये ओपनिंग हुआ और मार्केट नीचे गया ही नहीं या थोड़ा सा डीप मार के ऊपर 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 चला गया ओके ठीक है स्टिल स्टिल डेली कैंडल कैंडल में अगर देखोगे इट इज दैट वीकली लो फंडा वही है वीकली लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाला बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ एस्ट्रोजोन का जो सपोर्ट है ये मैंने क्या बोला था एस्ट्रोजोन को काटना इतना आसान नहीं होगा जो ये जो लेवल अगर काटा मार्केट ने आइडियली मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना चाहिए मेरे को अगर आप पूछोगे और हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट बड़ा गैप अप करके ऊपर चले पॉसिबिलिटी है मंडे को देखना ठीक है स्टॉप लॉस हमारा यही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इसके नीचे अगर मार्केट एक दिन क्लोज कर दिया कैंडल समझ लो फिर फोर्टी फाइव थाउजेंड एट फिफ्टी आएगा ये मैंने पहले से आपको बोल के रखा हुआ है तो ये जो जोन है ये बाय जोन काफी इंपॉर्टेंट है आस्ट्रॉल के हिसाब से ठीक है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए नाइन्थ कैंडल ये दिखाने का मेन मतलब मेरा नाइन कैंडल थ्योरी का था नाइन कैंडल थ्योरी मैंने दिखा दिया देखो निफ्टी में प्राइस एक्शन के हिसाब से एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कल का ट्रेड भी देता हूँ फटाफट बट की मार्केट देखो अभी दो पैटर्न ये भी डाउन ट्रेंड में बने हैं लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आपने सेल दिया था यहाँ पे बाय क्यों दे रहे हो देखो ये भी रीजनेबली डाउन ट्रेंड में बना है रीजनेबल ये बड़े डाउन ट्रेंड में बना है सो दीज आर रिवर्सल एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड थिंग इज प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे ये जो बना है यहाँ पे ये एम पैटर्न बना है आपको समझ में आ रहा है सिमेट्रिक ट्राइंगल है एम पैटर्न है इसलिए मैंने बोला था जब भी ये ट्रेन लाइन काटेगा ये इसका टारगेट दे देगा ठीक है ये बैंक निफ्टी में भी हमने लिया निफ्टी में भी हमने लिया सबको याद है ये यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज नॉट एम दिस इज डब्ल्यू एंड मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू व्हाट इज ए वीक डब्ल्यू करेक्ट और ये दो दो डब्ल्यू बना है अगर आप देखोगे है ना ये एक डब्ल्यू ये एक डब्ल्यू एंड दोनों के दोनों डब्ल्यू स्ट्रांग है क्योंकि ये हायर लोज में है

ये भाई जोन कोई काम का नहीं इसको हटाना पड़ेगा ठीक है ट्वेंटी आप ले लो इसके तक मार्केट को आना चाहिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देता है है तो टारगेट बड़ा एक्चुअली अगर आप देखोगे टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट का टारगेट और यहां से आप टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट लेते हो तो आपको यहां तक मिलेगा सेल जोन तक मिलेगा मोटा मोटा है ना बट मैं रीजनेबल टारगेट दे रहा हूं ये डब्ल्यू का ये वाला नेक का टू हंड्रेड पॉइंट का टारगेट मोटा मोटा और यहाँ पे भी नीचे से मैं ले रहा हूं फ्रॉम द मिड ऑफ द सिमेट्रिक ट्राइंगल ये आपको दिखेगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फिफ्टी सॉरी चालीस दस पॉइंट और फिफ्टी ट्वेंटी टू थाउजेंड टू फिफ्टी का टारगेट आपका होना चाहिए अगर मार्केट में आप बाय में हो स्टॉपलेस उसके इसमें तो आप ये ट्रेंड लाइन भी रख सकते हैं क्लियर ये एक प्राइस एक्शन याद रखना आपको काम देगा बाकी इंट्रा में अपन देखेंगे क्या करना है देखो बैंक निफ्टी में सिंपल है ऑस्ट्रोजोन का फंडा ऑलरेडी मैंने आपको बताया इसको लॉस के हिसाब से मान के आपको चलना चाहिए ठीक है इसमें तो दुनिया भर के ट्रेंड लाइन बन गए इट इज एनी वे इट्स ए डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो शायद बन जाएगा टॉप तो से ऑल टाइम है से आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है ठीक है अगर आप देखोगे मोटा मोटा बन तो चैनल भी रहा है एक्चुअली ठीक है ये आपका बन रहा है चैनल अगर ब्रेकआउट हुआ ठीक है रीटेस्ट किया और ऊपर गया स्विंग चैनल का स्विंग कार्ड जो ब्रेकआउट है उसका स्विंग कार्ड है तो फर्स्ट टारगेट हमारा फोर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव दैट मीन फोर्टी एट थाउजेंड जो इस हफ्ते का सपोर्ट था यहां से गिरेगा नहीं गिरेगा आई डोंट नो बट इसको अगर मार्केट ने काटा तो अनादर फाइव हंड्रेड पॉइंट इन दिस वीक विक्सल मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ तो आना ही चाहिए थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी का होगा ज्यादा से ज्यादा स्पाइक देखो स्पाइक भी मार सकता है ऐसी बात नहीं है इंटरडे की बात करेंगे बाद में बट पहले आप समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है ठीक है तो आइडियली देखो ये जो है ना पहली व्यू हमारी है कि आस्ट्रो का जो सपोर्ट जो है ये कटना नहीं चाहिए तो मार्केट यहीं से ही घूमना चाहिए इसलिए मैंने बोला था प्राइस एक्शन बढ़िया है कि गैप अप करे और गैप अप करके ऊपर ऊपर निकल जाए कल ठीक है नहीं हुआ मार्केट अगर नीचे भी आ गया चीट किया चीट कर सकता है ऐसा नहीं कि चीट नहीं कर सकता बट दस पंद्रह मिनट के अंदर ही इसको बाइजन के अंदर घुसना पड़ेगा और डिहाई काटना पड़ेगा तब भी आप बाय में रह सकते हो तब भी इससे सिग्नल के मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा विक अगर बनाया पंद्रह मिनट आधा घंटे के कैंडल में विक बनाया देन ऑल्सो इट इज स्टिल ओके चीटिंग सर ओके बट वो नहीं बनाना चाहिए इतना हार्ट अटैक नहीं देना चाहिए सीधा सीधा ये ट्रेन लाइन को काटो ऊपर जाओ ये लेवल ये बाई जोन के ऊपर ही बैठ जाओ मंडे को बैठ गए तो सिक्स फिफ्टी टू नाइन फिफ्टी नाइन फिफ्टी सॉरी फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड काउजेंड्रेड फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ्राइडे को अगर मार्केट में मिला तो हम सेल करेंगे क्लियर ये सब बना के रखना जो मैंने बनाया ठीक है मंडे की अगर हम बात करें देखो मंडे यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए मंडे अगर मार्केट गैप अप होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे टारगेट वन फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव सेवेंटी टारगेट टू फोर्टी सेवन थाउजेंड सेवन फिफ्टी दो सौ पॉइंट गए टारगेट थ्री फोर्टी सेवन थाउजेंड नाइन सेवनटी दो सौ दो सौ दो सौ यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है कोई उसमें आ, ये नहीं होगा सरप्राइज नहीं होगा मेरे को मंडे अगर यहाँ पर आ जाए बट यहाँ पे एक बार काटना फिर फिर अगर मोमेंटम मिला दोबारा दो सौ पॉइंट में बाई करना ऑप्शन बार्स की बात कर ऑप्शन सेलर होल्ड कर सकते हो अगर आपने ओ में काटा क्योंकि यहाँ तक आप, आपका टाइम है अब थर्सडे को इतना लॉस किया है कल तो थोड़ा बहुत लॉस झेल ही सकते हैं कोई इशू नहीं है बट लंबा गेल खेल, खेलना है कल का ठीक है बहुत क्लियर है नीचे साइड अगर आया मेरा कोई ट्रेड नहीं होगा वीकली लो के नीचे कोई ट्रेड नहीं है ठीक है एक ट्रेड अटेम्प्ट हमारा बनेगा फोर्टी सेवन थाउजेंड वन ट्वेंटी में अगर मार्केट मिला या फिर यहां पे मार्केट ने कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया बट वो रिस्की वाला है वहां पे स्कैल्पिंग खेलोगे कोई कॉन्फिडेंट वाला ट्रेड नहीं है प्रीफरेबल ट्रेड इज गैप अप गैपअप गैपअप होके ये लेवल काटे ये लेवल काटे ये लेवल के आसपास मोटा मोटा मार्केट पहुंच जाए ठीक है निफ्टी की अगर बात करें इस लेवल के नीचे कोई ट्रेड नहीं ऑलरेडी बोला ट्वेंटी के नीचे कोई ट्रेड नहीं नाइन मिला फिर भी एक बाय अटेम्प्ट आप मार सकते हो स्कैल्पिंग ठीक है इसके नीचे कोई ट्रेंड नहीं इसका भी व्यू वही है कि मार्केट गैप अप ओपन करे या फ्लैट ओपन करे तो भी चलेगा पांच मिनट का डीप मारेगा तो चलेगा पाँच दस मिनट से ज्यादा का डीप नहीं चाहिए वार भी अगर काटा टारगेट वन हंड्रेड इलेवन हंड्रेड फिफ्टी टारगेट थ्री टू हंड्रेड फिफ्टी ठीक है पहला टारगेट मंडे इसकी गारंटी नहीं दे रहा मंडे को बट ये आ जाना चाहिए ट्वेंटी टू थाउजेंड वन फिफ्टी फाइव का टारगेट मिनिमम ये जो ये जो लेवल है ये स्विंग ये स्विंग आ जाना चाहिए देखते हैं कंडीशन इसमें यह है कि गैप अप होना चाहिए पहला पांच दस मिनट कैंडल नीचे आया तो चलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट डे हाई कटना चाहिए कटेगा तो लंबा गेम खेल सकते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड के नीचे कोई ट्रेड नहीं है नाइन फिफ्टी के आसपास यू कैन ट्राई फॉर ए थर्टी फोर्टी पॉइंट का स्काल्पिंग उसको होल्ड करना है तो आप कर सकते हो बट गारंटी नहीं है उसकी ठीक है थैंक यू वेरी मच बाकी जो अगर लाइव में देखेंगे गुड नाइट जय मद